तो हेलो भाई लोगों, तो कैसे आप सब। हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो लेके। तो भाई गाइस, आज अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं समझ जाऊँगा आप बड़े ही हिम्मत वाले इंसान हो। अगर इसको क्विट करके जाते हो तो मैं समझ जाऊँगा आप बड़े ही डरपोक इंसान हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज हम करने वाले हमारे स्विमिंग पूल में स्नान। तो स्नान करने वाले, ये हमारा स्विमिंग पूल नहीं है, हमने लिए ये लिया है किराए पे घर। ये भाड़े का किराए पे घर है गाइस, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है गाइस इतना नया घर लेने की। और लेंगे लेंगे हम लेंगे, कोई काम धंधा करेंगे। वैसे अभी तो कुछ काम धंधा नहीं है, हम तो बैठे हैं फर्जी, और फर्जी आदमी है हम। और हम हमारे स्प्लेंडर लेके निकलते हैं गाइस। हमारे पास ही खुला एक नया नया क्या कहते हैं गाइस उसको, बीच बीच पे खुला एक होटल। होटल के अंदर है जेटपेट। जेटपेट को गाइस हमको है जो है जेटपेट चलाना है। हम निकल लेते हैं, हमारी फटीचर स्प्लेंडर लेके निकल गए। और ये जो है एवरेज काफ़ी अच्छा देती है, इसलिए हमने स्प्लेंडर ले लिए। और हाँ, अभी नहीं ली गाइस, ये 15 साल पुरानी है। और इसके जो है कागज़ वागज जो है आधे अधूरे हैं, मैंने इसके कागज़ वागज जो है पूरे नहीं बनाए हैं। और बातें ही बातें में हम जो है यहाँ पे पहुँच गए हैं, क्या कहते हैं उसको, बीच पे। ये भी हमारा बीच नहीं है, और हम तो लेके आए हमारे पड़ोसी से 1 लाख रुपए उधार। और कल का वो मुझे तंग कर रहा है कि मेरा 1 लाख रुपए कहाँ पे है। तो मैंने उसको बताया था कि मैं तेरे खाते में जमा करा रहा हूँ, लेकिन मैंने उसके खाते में जमा ना करा के मैं उसके ये बीच पे खर्च करने के लिए लिया आया हूँ। तो गाइस मुझे लग रहा है ये बीच शायद बंद है, देखते गाइस बंद है या नहीं है। जेटपेट तो कहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे गाइस, जेटपेट कहाँ पे है देख लेंगे बाद में क्या होगा। और ये हमारा घर तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, और हमारा नहीं है गाइस, मतलब ये तो पड़ोसियों का है। और ये घर भी नहीं है गाइस, और अंदर जाके देखते हैं ये क्या है क्या नहीं है। तो गाइस मुझे लग रहा है जहाँ तक कि ये बंद है, एक बार गेट ठक ठका कर बोलते हैं अंदर दिखा तो ठीक, वरना चिट पेट हम लेके भाग जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे जो है कोई नहीं है, और जेट पेट जो है बाहर ही पड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, हम बिना लाइसेंस के इस जेट पेट को उड़ाएंगे। पुलिस आ गई तो वो तो अलग बात है, फिर तो हमारी पिटने वाली है। और जेट पेट जो है मुझे चलाने नहीं आता है। और ऐसे मत बोलना कि मेरे को जेटपेट नहीं चलाना आता है, वो मुझे भी पता है जेटपेट नहीं चलाना आता है, लेकिन आपको पता है वो अलग बात है। और कमेंट में बताना किसने अभी तक वीडियो देखी है, किसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जल्दी करो, भलाई चप्पल फेंक के करो, तो सब्सक्राइब कर चप्पल फेंक के कर दो, क्योंकि चप्पल से भी सब्सक्राइब हो जाएगा गाइस। और देख सकते हैं यहाँ का व्यू बड़ा ही अच्छा दिख रहा है। मुझे पता है ये घर नहीं दिख रहा है, लेकिन तो भी मैं बोलूँगा ये व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है। और जेट पेट जो है ये सामने सामने बहुत आ रहा है साला। और नीचे लैंडिंग कराते हैं भाई लोगों। और लैंडिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरे को लैंडिंग करानी नहीं आती है। लैंडिंग पे जाओगे तो चप्पल फेंक के मारूंगा मैं, हाथों तुम्हारे घर पे आऊँगा। और देख सकते हो गाइस हम बाहर निकल चुके हैं, और एक और जेटपेट खड़ा है। हाँ, हालांकि इसका लाइसेंस भी नहीं है मेरे पास। तो बस हमने जो घूम लिया है, मुझे लगता है किसने, मेरे पड़ोसी ने इन्फॉर्म कर दिया होगा। तो हम जो है इसको चढ़ना तो नहीं आता गाइस, लेकिन तो भी चढ़ने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने जो है आर्मी से ट्रेनिंग नहीं ले चुकी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था हम बेटे हैं फर्जी, हमारे पास कुछ काम नहीं है, काम धंधा नहीं है, जब भी तो स्प्लेंडर लेके घूम रहे हैं। मना मना क्या लेते हैं गाइस, आपके अंदाज से बताना ज़रूर हम क्या लेंगे। और मुझे कंटेंट भी बताते रहो, क्या मैं क्या बनाऊँ वीडियो पे, क्या नहीं बनाऊँ। तो फटीचर स्प्लेंडर लेके हम निकल चुके हैं हमारे वापस किराएदार के घर में। हाँ, किराएदार का घर इतना है जितना मेरी
जितना मैं कमाता नहीं हूँ जितना गाइस मैं किराए पे दे देता हूँ, क्योंकि इसका किराया जो है मुझे बहुत महंगा पड़ता है। सप्लेंडर जो है यहाँ पे और खड़ी ये कर जो देते किराए हैं, का घर है और ये काफी महंगा आज पड़ता है के लिए इतना मुझे। ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो सप्लेंडर में में जो है घर के सामने, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू गुड बाय बस टाटा।